गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से चैनल मैथ्स पाठशाला में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस विथ यू हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि कैसे हम लोग एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी स्टूडेंट्स इस टाइप्स के क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने में उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा और कुछ इसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, वो ट्रिक्स से वो क्वेश्चंस को आसानी से लोकेट कर लेंगे। यू नो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव क्लियर्ड और वाज माई लास्ट वीडियोज अबाउट टू इरेशनल नंबर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे लास्ट लेक्चर को अच्छे से वॉच कर लिए होंगे, जो कि मैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड मैं आपको वीडियो दिया था। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों से कुछ इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करना है उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एवरी नंबर, मैं बिना लेट किए अपने सीधे टॉपिक पे आता हूँ, एवरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, आइदर होल नंबर, डेसिमल नंबर, कोई भी नंबर हो, सारे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मीन्स कि ऑल रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, तो रियल नंबर आप जानते हैं, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर, ठीक है, जैसे कि 2/3 था, 3/5 था, ये सब चीजें आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कैसे किसी रेशनल नंबर को पॉजिटिव हो या निगेटिव रेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने बोला एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सभी रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सभी को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वन पॉइंट मींस ऑन वन पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन नंबर। रियल नंबर पे एक पॉइंट पर केवल एक नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो पेज नंबर 6 पे लास्ट में नीचे एक डार्क लाइन, दो डार्क लाइन में लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। एंड एट वन पॉइंट वन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड। एक पॉइंट पे केवल एक ही रियल नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे रेशनल हो, चाहे पॉजिटिव रेशनल हो, चाहे निगेटिव रेशनल हो, या फिर कोई इरेशनल नंबर हो। हर एक पॉइंट पे, जैसे कि आपके पास एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर अगर मैं बोलूं, नंबर लाइन है, इस हर एक पॉइंट पे केवल एक ही, ओनली वन नंबर ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक से अधिक नहीं, केवल एक नंबर, ओनली वन नंबर। ठीक है, अब वो नंबर क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नंबर बोले तो रियल नंबर, रियल, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर जानते ही हैं, रियल नंबर होता क्या है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल, कोई भी रेशनल या इरेशनल नंबर को इंक्लूड कर देते हैं तो वो रियल नंबर हो जाता है। मींस आपके पास कोई एक बैग है, ये मान लो नंबर्स का एक बैग है, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है तो रियल नंबर हो जाता है। रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। क्लियर है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। मैं आपको यहां पर रूल्स भी बताऊंगा और एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप आएंगे जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उनके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो
अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो मैं उसको भी इंक्लूड करते जाऊंगा, एक एक स्टेप में क्लियर करा दूंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो जो बच्चे बहुत सारे बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम में कंफ्यूज होता है कैसे क्या करते हैं, वहां पे हम उसको एक बार फिर से एक्सप्रेस कर देंगे कि कैसे क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोई एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर खास तौर पे आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो जनरली बोला जाएगा रिप्रेजेंट अंडर रूट टू ऑन द नंबर लाइन। किसी भी नंबर लाइन पे आपको अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट करना होगा, अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना होगा, ऐसे कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दिया जा सकता है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कि अंडर रूट टू को हमें क्या करना है, लोकेट अंडर रूट टू ऑन कहां पे करना है, नंबर लाइन पे करना, जो कि आपके पास एक नंबर लाइन होता है। ठीक है, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग ऐसे करते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वी टेक नंबर लाइन, एक नंबर लाइन लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं एक्स वाई है। ओके, एक नंबर लाइन लेते हैं एक्स वाई, कुछ भी ले लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। अगेन ठीक है, पॉइंट ओ, ठीक है, यहां से एक पॉइंट ओ रख लेते हैं और यहां से कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां पर यहां कहीं पर भी पॉइंट ए मान लेते हैं, और इस जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ऑफ ओ ए, इसका वैल्यू हम वन यूनिट पुटअप कर लेते हैं, वन यूनिट पुटअप कर लेते हैं। वन यूनिट मीन्स यू कैन यूज वन यूनिट मीन्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट उसको हम लोग लिखेंगे क्या, वन यूनिट बोलेंगे। जैसे आप स्केल से 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी, बट उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वन यूनिट। क्या बोलेंगे, वन यूनिट। हम मतलब यूनिट मीन्स जैसे कि आपको कोई भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होते ना, तो हमें यहाँ पे चूंकि हम पेज पे बना रहे हैं तो हम सेंटीमीटर के ही फॉर्म में लेंगे। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये मैंने जो डिस्टेंस लिया है 5 सेंटीमीटर लिया, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे वहां पर्टिकुलर, वहां पे हम यूनिट लिख देंगे, कोई भी मतलब एक यूनिट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, मेरा टारगेट होगा अंडर रूट टू को इस नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे अंडर रूट टू कहां है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यहां पर ये 0 होता है, यहां 1 होता है, यहां 2 होता है, तो उसी तरीके से अंडर रूट टू कहां होगा, इस नंबर लाइन पर अंडर रूट टू का प्लेस कहां पे होगा, उसी को हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। क्लियर ना, चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले वी ड्रा ए लाइन एक्स वाई, अगेन वी पुट आर वी टेक ओए इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ओ इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगेन अब हम क्या करेंगे, एट पॉइंट ए पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर जानते हैं कैसे ड्रा करते हैं, 90 डिग्री से, 90 डिग्री बनाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 90 डिग्री आप लोगों को मालूम है, ए को सेंटर लेंगे, ए क्या है, ए सेंटर ले लेते हैं, यहां से 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री आप लोग ऐसे बनाते हैं ना, ये 90 डिग्री हो गया। इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 90 डिग्री बनाते हैं और ऐसे बढ़ा देंगे आगे। क्लियर है, ऐसे इसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे। ठीक, या तो आप 90 डिग्री ऐसे बना लीजिए, या फिर आप सीधा कम अपने वो क्या कहते हैं प्रोटेक्टर वगैरह से बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये 90 डिग्री बन गया। परपेंडिकुलर मीन्स वी ड्रा परपेंडिकुलर ए पी, मान लीजिए ए पी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, वेयर ए पी इज इक्वल टू 1 यूनिट। मान लेते हैं कि अब देखिए मुझे या तो इसका नाम लिख दीजिए, ए पी लिख दीजिए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो यूनिट 1 यूनिट मैंने लिया था, इसको हम कंपास में अपने, ठीक है, राउंडर में, कंपास में यहां से सेंटर ले लेंगे, ए को सेंटर ले लेंगे और कंपास में ये वाली डिस्टेंस रख करके ऐसे कट कर लेंगे। बात समझिए, अगेन फ्रॉम ए से, कहां से, ए से, ठीक है, ए इज ए सेंटर, ए को सेंटर लेकर के वी टेक एन आर्क, वी कट एन आर्क, एक हम लोग क्या करते हैं यहां से आर्क कट कर लेंगे, और वो जो आर्क की डिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी, ओ इज इक्वल टू, यानी ओए का जो वैल्यू था ठीक उसी के बराबर हम यहां
से एक आर्क कट कर लिया। सपोज दैट ये आपका एम हो गया, क्या हो गया, पॉइंट एम, क्लियर हो गया। अभी हम इसे स्टेप भी हमें लिखना होगा, जैसे कि आप लोग लास्ट क्लास में इस कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखते हो ना, वैसे यहां पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो मैं वहां पर अच्छे तरीके से लिख लूंगा। ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर से समझिए कि एट पॉइंट ए पर क्या किया, एपी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। फिर से क्या किया, अब मैंने कट कर लिया, एम इज इक्वल टू वन यूनिट कट कर लिया डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस थी इसको मैंने वन यूनिट ही रखा, जितना ये रखा उतना ही वन यूनिट इसको भी कट कर लिया। कैसे कट करेंगे, ये वाली डिस्टेंस कवर कर लेंगे और कवर करके ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे ऐसे कट कर लेंगे, क्लियर है, ऐसे कट कर लेंगे, आपका कट कर गया ये, यानी आपको डिस्टेंस मिल गया या पॉइंट, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, नो। चलिए अगेन हम क्या करते हैं, हम लोग इसको हटा सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोग इसको प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, ठीक। अगेन क्या हुआ, अब हम लोग इसको ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ओ एम, ज्वाइन ओ एम, ओ को एम से ज्वाइन कर देंगे, क्लियर है। ओ को जब एम से ज्वाइन कर देंगे तो हम देख क्या रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट कि ओ ए एम इज अ राइट ट्राइंगल, क्या हुआ है, एक ओ ए एम इज अ राइट ट्राइंगल, हमें क्या मिला, वी गेट ओ ए एम इज अ राइट ट्राइंगल, एक हमें राइट ट्राइंगल मिला, मिल गया ना, क्योंकि 90 डिग्री था, क्लियर हो गया। कोई डाउट किसी को, इसकी इसका डिस्टेंस कितना था, ये भी वन यूनिट था, क्लियर ना। चलिए अब इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, अब हम थोड़ा सा अपना यहाँ पे जो स्टेप हमें लिखना है उसको उस पर हम चलते हैं, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा, हमने क्या किया, वी ड्रा एक्स वाई अलाइन, एलाइन, ठीक है, एलाइन मतलब नंबर लाइन, एलाइन एक्स वाई, ठीक है। टेक्स्ट मैंने लिया, अगेन टेक ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू वन यूनिट, ओ ए का वैल्यू कितना ले लिया, वन यूनिट ले लिया, क्लियर है ना, ओ ए का वैल्यू वन यूनिट ले लिया। अगेन फिर मैंने क्या किया, अगेन आफ्टर दैट, आफ्टर दैट कहां पे, ए पर, ठीक है, एट ए, एट ए, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, एट ए, ठीक है, ड्रा ए एम परपेंडिकुलर ओ ए, ठीक है, ए ड्रा एम परपेंडिकुलर ओ ए, परपेंडिकुलर जो होता है, जिस पर होता है उसको बाद में लिखते हैं, कौन परपेंडिकुलर है, एम परपेंडिकुलर है कि ओ ए है, एम है ना, तो एम को पहले लिखेंगे और जिस पर होगा उसको बाद में, ड्रा एम परपेंडिकुलर ओ ए, वेयर, वेयर, अब वहां पे लिख देते हैं वेयर, स्टार्ट पे, वेयर एम इज इक्वल टू वन यूनिट, जो मैंने किया उसी को मैं लिख रहा हूं, क्लियर है, वेयर ओ ए इज इक्वल टू वन यूनिट, ठीक है, कोई डाउट, सच दैट ओ ए इज इक्वल टू वन यूनिट है, ये भी लिख सकते हैं। अब चलिए क्या करते हैं, ज्वाइन, ज्वाइन ओ एम, एम आपको मिल गया, उसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है, ज्वाइन हो गया, जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा वी ऑप्टेन, हम पाते हैं यहां पे क्या, ओ एम क्या इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, तो हमें ये ट्राइंगल मिल गया। अब हम लोग आते हैं क्या सीधे अपने ट्राइंगल में, अभी नहीं लिखेंगे कि ओ एम इज ए ट्राइंगल, ये सब बीका में ट्राइंगल है, सब नहीं लिखेंगे डायरेक्ट ना इन, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर लिख दिया, इट मीन्स ये जो ट्राइंगल मिलेगा ये क्या है, राइट ट्राइंगल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल यहां लिख सकते हैं, इन राइट ट्राइंगल ओ ए एम, इन राइट ट्राइंगल ओ ए एम में, क्लियर है। अब ये राइट ट्राइंगल मिल गया, मैंने बोला ना कि इस क्वेश्चन में हमें पाइथागोरस थ्योरम भी मिलेगा, तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम आ गया, क्या यूज है उसका, देखिए हमें इसका वैल्यू तो मिल गया, ओ ए इज इक्वल टू वन यूनिट, ठीक है, ए एम का भी वैल्यू मिल गया वन यूनिट, बट हमें ये वाला वैल्यू नहीं मालूम, और यही मेरा आंसर है, इसी जब तक मैं ये नहीं फाइंड आउट करूंगा तब तक मेरा आंसर ये नहीं आने वाला। तो
फाइनली अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोयम, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोयम, पोयम का वैल्यू क्या है, ठीक है. एंड जब हम लोग व्हेन वी विल फाइंड फाइंड आउट पोयम इज इक्वल टू समथिंग, जब हमें पोयम का वैल्यू मिल जाएगा देन इट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. आपका जो यही क्या होगा, एक आपका रिक्वायर आंसर होगा, क्लियर है. चलिए हम लोग इसको लाते हैं. अब सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को आ गया होगा तुम्हें समझ में कि जब ये राइट ट्राइंगल है तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस. मालूम है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस करते हैं, ठीक है, और ये नीचे वाली हो जाएगी बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है. जैसे मैं ये मेरी बॉडी है तो ये परपेंडिकुलर कहां पे, सरफेस पे, ठीक है. तो ये मैं परपेंडिकुलर हो गया, सरफेस हो गया बेस, और जो मेरे टॉप से वो जो लास्ट पॉइंट पे होगा वैल्यू वो हो जाएगा हाइपोटेनस, ये वाली साइड लाइट, ठीक है. तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस. तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल समथिंग बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लिया हम लोग. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही जानते ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्लियर. हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा वन, और वन का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का वैल्यू वन है, इसका भी वन कर दीजिए, ठीक है. बेस का भी वैल्यू वन, वन कर दीजिए. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा वन की स्क्वायर मीन्स वन प्लस वन, ठीक, मीन्स आ गया टू आपको मिल गया, ठीक है. ये क्या मिल गया, टू मिल गया. हाइपोटेनस का स्क्वायर का वैल्यू टू मिला, हाइपोटेनस नहीं मिला है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट. अब बोथ साइड दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है. तो स्क्वायर रूट इसको आप क्रॉस करके राइट कर लें, ठीक है. तो चलिए हम लोग अब इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लें. कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मींस आपको मिला है यहां पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू टू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू टू मिला, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मिल जाएगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा. स्क्वायर रूट लेने आता है ना, जिस चीज का स्क्वायर रूट लेते हैं उसको रूट के अंदर कर लेते हैं. टू का स्क्वायर रूट लेना है तो टू के अंदर कर देंगे, रूट के अंदर कर देंगे. अब इसका पेयर नहीं बन पाएगा, जब पेयर नहीं बन पाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो ये ऐसे ही छूट गया. अब देखिए जो आपकी तलाश थी वो आपका नंबर आ गया. इट मींस ओएम क्या मिला, ओएम इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओएम जो मिला वही आपका अंडर रूट टू हो गया. बट अभी भी बच्चों को प्रॉब्लम होगा आप लोग को कि सर हमें तो बोला गया था इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, ये तो यहां मिल रहा है, इससे हमसे क्या मतलब है, ठीक है. अब ये मेरा हेल्प करेगा कि कैसे हमें अंडर रूट टू ढूंढना है, ठीक है, नंबर लाइन पे. चलिए थोड़ा सा इससे बढ़ाते हैं, अब यहां पे काम करना है यहां पे. तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, फटाक से जो वैल्यू है यहां पे पुट अप करेंगे समझने के लिए, और फिर काम यहां पे करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना है यहां पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारा पॉइंट वो था, ठीक है, ठीक है ना. तो अब लिखेंगे अगेन, अब क्या करने जा रहे हैं, नाउ जो चीज आप यहां करेंगे उसी को अपने सेंस में यहां पे राइट करना है, ठीक है. लेकिन ये ओएम इज एन आर्क, ओएम को हम लोग क्या किए, एक आर्क ले लिए. ओएम को मैंने एक क्या किया, आर्क माना, ठीक है, रेडियस वाली रेडियस माना, और ओ इज ए सेंटर, ठीक है, टेक ओ इज अ सेंटर एंड ओएम इज रेडियस. ओएम को क्या ले लिया, एक रेडियस ले लिया, ठीक है. यहां पे आप राउंडर रखेंगे अपना कंपास, और यहां पे उसके नीडल रखने के बाद ये वाली डिस्टेंस आप कवर कर लेंगे, ये वाली डिस्टेंस यहां पे पेंसिल करो, और ये चीज यहां करके एक ऐसे डिस्टेंस ऐसे आर्क कट करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आप करेंगे, ठीक है, कट करके जब जहां भी ये पॉइंट कट करेगा ये भी तो आपका अंडर रूट होगा, है ना, क्लियर है. जैसे आपने सर्कल, कोई सर्कल बनाते हैं आप,
किसी भी रेडियस का, तो मान लीजिए आपके पास 2 सेंटीमीटर का ये रेडियस है और जब आप सर्कल ऐसे आर कट करते हैं तो एक सर्कल ही बनता है ना, तो यानी ये अगर अंडर रूट 2 है तो ये भी तो अंडर रूट 2 ही होगा, ये भी तो अंडर रूट 2 होगा, होगा वही चीज कि टेक ओ इज अ सेंटर एंड ओएम इज अ रेडियस, ड्रा या कट एन आर इन सच वे, इन सच वे कि इट कट एक्स वाई एट समथिंग, मान लेते एन पे, एन पे कट कर दिया, ये जो यहां पे कट करेगा पॉइंट एन पे यही डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये यहां से तक अंडर रूट 2 है तो ये भी अंडर रूट 2 ही होगा ना, ये क्या होगा अंडर रूट 2 होगा, जब यहां से यहां तक 2 किलोमीटर है तो यहां से यहां तक भी तो 2 किलोमीटर होगा, होगा ना, तो इट मींस यही क्या हो गया आपका अंडर रूट 2 आपका आंसर आ गया, क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं, समझे बात, तो हम लोग यहां पे अपना स्टेप लिखते हैं, क्या लिखते हैं स्टेप, नाउ ओ इज अ सेंटर, हम लोग ओ को सेंटर लेते हैं एंड एंड ओ एम इज अ रेडियस, एंड ओ एम इज अ रेडियस, ओ एम इज अ रेडियस, ठीक है, कट ओ एल मीन्स हम लोग कट करने जा रहे हैं, रेडियस ड्रा एन आर्क, एन आर्क ओ एल एट कहां पे एक्स वाई, एट एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत, हेंस पॉइंट एन रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर 9, इट मींस जो हमारा पॉइंट है ना वही क्या है अंडर रूट एन को रिप्रेजेंट करता है, लोकेट करता है, क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं ना, हेंस पॉइंट एन, पॉइंट एन लोकेट अंडर टू एट एक्स, इट इज योर आंसर, क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को नहीं, समझे फिर से, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए नंबर लाइन एक्स वाई, ऑन एक्स वाई वी टेक पॉइंट ओ, अगेन वी टेक ओ इज इक्वल टू 1 यूनिट, हमने क्या लिया, मैं यहां पे एक चीज लिख दिया कि वो इज इक्वल टू 1 यूनिट, अगेन एट पॉइंट ए ड्रा ए एम एपी परपेंडिकुलर, ठीक है, एपी हमने क्या किया परपेंडिकुलर किया, नेक्स्ट अगेन पॉइंट आफ्टर दैट एट पॉइंट ए, ए से कहां पर, फ्रॉम पॉइंट ए, ए से वी कट एन आर, एक मैंने आर कट किया ए एम इज इक्वल टू 1 यूनिट, जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा सेम डिस्टेंस का, नेक्स्ट ज्वाइन ओएम ओ को एम से, गेटिंग द राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल को पाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पे, ठीक है, बाय यूजिंग बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम वी विल कैलकुलेट द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू कैलकुलेट कर दिए, आफ्टर दैट फाइनली आफ्टर दैट अब जो लास्ट स्टेप करना है, जो यहां पे आपका आंसर आने जा रहा है कि फ्रॉम पॉइंट ओ से कहां से, ठीक है, ओ से ओ इज सेंटर एंड ओ एम इज एन आर, एक आर के तौर पे, सॉरी रेडियस के तौर पे ओ इज रेडियस, ठीक है, ड्रा ए आर, एक हम लोग ड्रा एन आर, एक हम लोग क्या कि यहाँ पे आर ड्रा कर लिए, ठीक है, विच कट एक्स वाई एट पॉइंट एन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडर रूट 2, यही क्या हो गया अंडर रूट 2 से रिप्रेजेंट हो गया, क्लियर है, सेम सिमिलरली अब हम लोग कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अंडर रूट 3 दिया रहेगा, अंडर रूट 4 दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, अंडर रूट 4 को तो जनरली 2 कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर लेंगे, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, कोई भी नंबर रहेगा हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, चलिए अब हम लोग अंडर रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करना उसको कर लेते हैं, एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कम से कम, ठीक है, कि अंडर रूट 3 को अगर करना होगा तो क्या करेंगे, राइट, चलिए तो अंडर रूट 3 के लिए क्या रहेगा, इसी क्वेश्चन में मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, अंडर रूट 2 को मैंने रिप्रेजेंट किया और अगर अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग बस इसी में स्टेप पढ़ेंगे, बिना अंडर रूट 2 बनाए हम लोग अंडर रूट 3 को फाइंड आउट नहीं कर सकते, अंडर रूट 3 को फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट 2 को आपको बनाना ही होगा, क्लियर है, तो चलिए अगर मुझे अंडर रूट 3 को अगर रिप्रेजेंट करना है, लोकेट अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन में अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट
करना है तो क्या करना होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, आंसर भी आपका स्टेप ऐसे ही रहेगा, बस ये चीज नहीं लिखेंगे कि क्या है ये अंडर रूट टू, बस ये जो अंडर रूट टू वाला स्टेप है जो पाइथागोरस से लाए थे ओएम इज इक्वल टू अंडर रूट टू, बस वही छोड़ देंगे, उसके बाद ये नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना, समझ में लेगा, ओएम इज इक्वल टू अंडर रूट टू ला करके हम लोग छोड़ देंगे, ये नहीं लिखेंगे फाइनली में, ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अंडर रूट टू नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसी में स्टेप को पढ़ाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं, फिर से बना दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्स वाई ड्रा किया था, पॉइंट ओ लिया था, पॉइंट ए लिया था, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था हमने पी। ठीक है, ये वैल्यू आपका वन यूनिट था, ये भी वैल्यू आपका वन यूनिट था। क्लियर है, ये पॉइंट हमने लिया था एग्जैक्ट। ठीक है, ये पॉइंट एम रहा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट टू। क्लियर है, अब ये आर नहीं ड्रा करेंगे। ठीक है, अंडर रूट थ्री में हमें क्या करना, अंडर रूट थ्री को टारगेट बनाना, अंडर रूट टू को नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आपको एक ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अंडर रूट टू को भी करो अंडर रूट थ्री को भी करो, तब आप सभी के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बट अंडर रूट थ्री करने के लिए हमें ये करके बस कैलकुलेट करके छोड़ देना होगा, यहां तक करने के बाद छोड़ देना होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें अंडर रूट थ्री की तलाश है। अगेन अब क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ एट पॉइंट एम पर, कहां पर, एम पर, एट पॉइंट एम मींस फ्रॉम एम, एम से अगेन वी ड्रा अ परपेंडिकुलर, एम पर हम लोग फिर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। प्रॉब्लम हो गई होगी कि सर यहां पे परपेंडिकुलर तो हम तो ऐसे ड्रा करते हैं, यहां से 90 डिग्री बना लिए, बट यहां पे कैसे कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम, बनाने आता है सबको, आप लोग यहां से बनाइएगा, इसको सेंटर मान के, एम इज अ सेंटर, एम एक क्या है सेंटर के तौर पे, यहां से आर कट करेंगे या कंपास आप लोग उठाकर इसी पर रख देंगे तो जो 90 डिग्री वाली लाइन जाएगी वही आपकी 90 डिग्री बन जाएगी। तो हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, सपोज दैट ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे ना। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कुछ बच्चे अगर कंपास से बनाना चाहेंगे तो वैसे 90 डिग्री का एंगल तो बनाने आता ही सबको। ठीक है, नहीं तो फिर मैथ पढ़ना व्यर्थ है क्लास 10 का, है ना, क्योंकि सीख लो, अगर नहीं आ रहा है तो क्लास 10 कंस्ट्रक्शन में आपको करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया, फिर हम लोग ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है, चलिए इस 90 डिग्री से हमसे मतलब मोर लाइन मोर कंफ्यूजन, तो हम यहाँ पे लाइन हटा देते हैं। क्लियर, ज्यादा लाइन नहीं रहनी चाहिए, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहां से, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। क्लियर, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। अगेन अब क्या करते हैं, फिर से वही तलाश करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, बट पाइथागोरस के लिए हमें ये जरूरी है कि 90 डिग्री राइट ट्रायंगल बनना चाहिए। राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा तो हम कैसे करेंगे, और अभी तक आपको पास यहां पे कोई ट्रायंगल नहीं बना है। तो हम लोग ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें कम से कम ये वाली साइड चाहिए हमसे यहां ज्वाइन करने के लिए, कहां पे ज्वाइन करा, किस पॉइंट पे, यहां पे, यहां पे, कहां ज्वाइन करेंगे, तो इस पॉइंट की तलाश करेंगे। जैसे यहां पे पॉइंट एम को ढूंढे थे ना, एपी जो परपेंडिकुलर मिला था उस पे हमने एक यूनिट का डिस्टेंस कट किया था, लेंथ कट किया था, और वहां पे हमें पॉइंट एम मिला, हमने ओ को एम से ज्वाइन कर दिया, बट यहां पे आपकी पॉइंट ओ कहां होगी, तो अब उस पॉइंट को ढूंढना है, वो पॉइंट कितना रहेगा, वो डिस्टेंस कितना रहेगा एम से, ये चीज हमें ढूंढना है। वो पॉइंट, वो डिस्टेंस रहेगा एम से वन यूनिट ही रहेगा। सोचिए क्यों वन यूनिट रहेगा, तो अभी आप सब लोग समझ जाएंगे कि वन यूनिट क्यों रहेगा। तो चलिए हम लोग यहां से वन यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं, इट मीन वन यूनिट कितना, जितना ये पहले था, अगर ये 5 सेंटीमीटर लिए थे तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा और ये भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का रहेगा। हमने यहां से ले लिया एम, मान लीजिए ये आपका पॉइंट मिल गया, सी मिल गया, ओके सपोज दैट सी मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ओसी, ओसी को मैंने ज्वाइन कर दिया, देखिए ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन गया, ओ एम सी इज अ राइट ट्रायंगल। ओके, कोई डाउट किसी को, नो। तो हम लोग ये जो डिस्टेंस रखेंगे एम सी इज इक्वल टू 1 यूनिट रखेंगे, कितना रखेंगे, क्यों रखेंगे, अभी इसका क्यों का जवाब अभी आपको मिलने जा रहा है। कॉमन सेंस, आपको मालूम है यह एक राइट ट्रायंगल है, यह एक राइट ट्रायंगल ओएमसी, ओएमसी क्या है, राइट ट्रायंगल है।
ठीक है, ओएमसी एक ट्राइंगल है, और कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। अब इस राइट ट्राइंगल में पहचानो कि अगर ये राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस कौन होगा, ये होगा ना, ये हाइपोटेनस होगा ना, ओसी हाइपोटेनस होगा, और बेस कौन होगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बताइए अगर आपके पास ये बेस का वैल्यू अंडर टू है और आपको मालूम है कि हमें यहां कुछ रखना होगा तब जाकर इसका वैल्यू आएगा, तो मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट थ्री आएगा। कैसे आएगा, तो हमारे पास इतना वैल्यू रहे कि ये अंडर रूट थ्री आ जाए, ये अंडर रूट थ्री आएगा, अभी कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो ये अंडर रूट टू है और ये अंडर रूट थ्री कैसे आएगा इसी को हम बताने जा रहे हैं। तो हमें यहां पर वन यूनिट रखना होगा, ठीक है, वन यूनिट डिस्टेंस रखना होगा तभी जाकर के थ्री आएगा, ठीक है। क्यों आएगा भी बता रहा हूं, जस्ट लिसन। चलिए यहां तक हो गया, आफ्टर दैट अगेन ये आपका स्टेप है जो आप एग्जाम में लिखोगे, इसके बाद यहां पर अगेन अगेन एट पॉइंट यम, यम पर कहां पे, एम पर या फ्रॉम एम, अगेन फ्रॉम एम, एम से क्या करेंगे, ड्रा ड्रा एम, इसका नाम कुछ मिले लो एम वाई या एम सी, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ड्रा एम सी इज इक्वल टू एम सी परपेंडिकुलर, हमने एम सी परपेंडिकुलर ड्रा किया कहां पे, ओ एम पर, किस पर, ओ एम पे, एम सी परपेंडिकुलर ओ एम, वेयर एम सी इज इक्वल टू वन यूनिट, जहां पे हमने एम सी कितना यूज किया था, वन यूनिट यूज किया था, क्लियर है। ज्वाइन ओसी, ओसी को हमने ज्वाइन कर दिया, कोई डाउट किसी को नहीं। अब एक आपका क्लोज फिगर बन गया, एक ट्राइंगल बन गया और राइट ट्राइंगल बन गया। नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ एम सी, ओ एम सी में आते हैं, किसमें आते हैं, ओ एम सी में आते हैं, ठीक है। ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग टू ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस मींस ओसी, ठीक है, फिर से लिख देते फार्मूला, दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मींस ओसी के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू वन, हमने पुट अप किया है वन का स्क्वायर मींस वन होगा, बी बेस है, बेस का स्क्वायर, बेस कौन है इसमें, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, नो मीन्स ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वन, वन का स्क्वायर वन था, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो चलिए अंडर रूट टू का स्क्वायर करते हैं, यानी दो टाइम दो बार किसी चीज का स्क्वायर होता है, यानी उसको दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट टू, ठीक, कोई डाउट किसी को। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है ना, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा टू क्रॉस टू, और ये पेयर बन गया, पेयर बना लेंगे, और जब पेयर बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ गया, क्या हो गया, बाहर हो गया। इट मीन्स वी कैन से दैट कि जब हम लोग व्हेन वी मल्टीप्लाई अंडर रूट टू बाय अंडर रूट टू, तो वी विल फाइंड टू इज अ होल नंबर, हम लोग एक होल नंबर के फॉर्म में टू को पाएंगे, रूट हट जाता ना, क्यों हटता है, रूट जान गया, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, फ्यूचर में अगर आएगा तो ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री में करेंगे तो थ्री हो जाएगा, ठीक है, रूट फोर का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे तो फोर हो जाएगा, रूट फाइव का मल्टीप्लाई रूट फाइव में करेंगे तो फाइव हो जाएगा, क्लियर है। क्यों होता है, ये अच्छी आप समझ गए, स्क्वायर रूट से हो गया, पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, तो इट मीन्स ये दो मिल गया, मीन्स ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया थ्री मिल गया। अब तो ये ओसी का वैल्यू है ना, ओसी स्क्वायर का है ना, ओसी का तो है नहीं, ओसी कैसे आएगा, स्क्वायर रूट में लेंगे, इधर का दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ओसी का स्क्वायर रूट अगर होगा तो ओसी आ जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसका कैसे स्क्वायर रूट लेंगे, नंबर का तो स्क्वायर रूट लेने आता है बट लीटर का कैसे लेंगे, उसको भी देख लीजिए, ओसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, जिसका स्क्वायर रूट लेना है रूट के अंदर कर देंगे, ओवर रूट हो गया। अब इसका फैक्टर कर लीजिए दो बार, क्योंकि स्क्वायर यानी टू टाइम होगा, ओसी क्रॉस ओसी पेयर बन गया, नहीं बन गया, दो का पेयर बनाना पड़ता ना स्क्वायर रूट में, याद है ना, क्लास एट में पढ़े थे, क्लास एट में पढ़े थे ना। अब बताइए जब ये पेयर बन गया तो क्या आ गया, ओसी आ गया, नहीं आ गया। तो हम लोग जब स्क्वायर रूट लेंगे किसी चीज का तो ये वैल्यू आपके पास आ गया ना, कोई डाउट किसी को, नहीं, चलिए इट मीन्स ओसी का वैल्यू आपको आ गया अंडर रूट थ्री।
क्या हो गया अंडर रूट 3 और ये आपका क्या है आंसर। इट मींस ये अंडर रूट 3 आपका वैल्यू आ गया। क्यों अंडर रूट 3 आया समझे, ये क्यों मान लिया गया, क्योंकि मेरे पास ये कुल मिला के जब इसका मैं स्क्वायर करता तो मुझे 2 मिल जाता और ये 3 तब आता जब हमें एक और मिलता बैलेंस में, तो 2 1 मिला के 3 हुआ और 3 का स्क्वायर रूट लिया तो अंडर रूट 3 आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट? अगर आप इसको 2 कर देते तो 2 ये तो था 2 और इसका स्क्वायर करते पाइथागोरस से तो 2 2 4 तो 2 और 2 मिला के 4 और 4 ये होता और ये 2 4 6 हो जाता, अंडर रूट 6 हो जाता, तब ये अंडर रूट 6 हो जाता। ठीक है, तो अगर आपको अंडर रूट 6 बोला जाता रिप्रेजेंट करने के लिए तब आप ऐसे करते, तब इसको 2 लेते हैं, तब इसको 2 लेना पड़ता। ठीक है, आपका मन आप कुछ भी ले लीजिए, बस आपका वैल्यू आना चाहिए स्क्वायर करने के बाद आपका वैल्यू वो चीज आ जाना चाहिए। राइट, चलिए समझ में आ गया। आप थोड़ा सा समझिए कि जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज एडवांस में सोचना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा और बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे हम अभी क्वेश्चन देंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन, अंडर रूट 11 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या हमेशा वन यूनिटी लेंगे? नहीं, जरूरी नहीं कि हर समय वन यूनिटी लेंगे। ये चीज आप लोग अपने माइंड को सोच करके करना होगा कि भाई हमें कितना वैल्यू चाहिए। आप 1 से भी आंसर लेंगे लेकिन आंसर आपका बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे स्टेप पढ़ाना पड़ जाएगा, ऐसे स्टेप पढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, समझा? तो हमें ये चीज मिल गया, यहां कहते हैं हमें मिल गया OC = √2 √3। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आंसर हो गया। अब इसको मैं लास्ट फाइनल करने जा रहा हूं, लास्ट कमेंट मुझे क्या लिखना है। नाउ ओ इज अ सेंटर, ओ को सेंटर लेते हैं। ठीक है, नाउ ओ इज अ सेंटर एंड OC is a radius. OC is a radius. यहां पे OC को radius लेते हैं and draw an arc. एक arc हम draw करने जा रहे हैं। जब हम draw करेंगे ऐसे ये side यहां पे कट कर देगा। कहां पे कट करेगा? यहां पे कहीं कट करेगा, देखिए ध्यान से। इसको आप रेगुलर लाइन नहीं करेंगे, डॉट लाइन ही करेंगे। ठीक है, डॉट लाइन ब्रोकन लाइन का ही यूज करेंगे, रेगुलर लाइन नहीं दिखाते हैं। ये हो गया, क्योंकि आपको इससे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको इस पॉइंट से मतलब है कहां पे कट कर रहा है। ठीक है, इससे मतलब है इस पॉइंट से। ठीक है, तो इसका नाम अगर आपको लिख रखा है तो आप नाम लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नाम लिख दीजिए, पॉइंट भी लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखे ड्रा एन आर ओडी, क्या एन आर ड्रा एन आर ओडी, हमने क्या किया आर्क ड्रा किया। ठीक है, सॉरी ये चीज यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, सेंटेंस गड़बड़ है। ड्रा एन आर्क आर, ठीक है, विच कट, जो क्या करता है कट करता है कहां पे, विच कट एक्स वाई, एक्स वाई को कट करता है कहां पे, एट डी, कहां पे डी पे कट करता है। ठीक है, पॉइंट डी, पॉइंट डी क्या है, इस द रिक्वायर्ड आंसर मीन्स रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन या रिक्वायर्ड पोजिशन ऑफ रूट 3, रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ रूट 3। ठीक है, ये चीज आपका आंसर आ गया। हम लोग ऐसे ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट? मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा कि कैसे और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, तो आप लोग खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 6 को, अंडर रूट 7 को,
अंडर रूट नाइन को नहीं, क्योंकि अंडर रूट नाइन को कोई मतलब नहीं है रूट लेना, बिकॉज वो जब आप अंडर रूट नाइन को लेंगे तो वो ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो नाइन का थ्री मिल जाएगा। तो आप सीधे उसको लोकेट कर सकते हैं, कोई आपको बेवकूफ बनाने के लिए अगर क्वेश्चन दे दे तो आप सीधा हुआ जो थ्री, ये थ्री आगे आपका नाइन, मीन्स यही आप इसी को कह सकते हैं अंडर रूट नाइन, ये अंडर रूट नाइन है। क्या मतलब आपको बिना मतलब इतना लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन करने का, ठीक है। तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, जब भी दिया जाएगा तो आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे जिस जो चीज जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, मतलब ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते वही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।